दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु क्यों सुदर्शन चक्र से भगवान शिव का शरीर का 3 टुकड़ा कर दिए थे? और क्या आप जानते हैं सुदर्शन चक्र से सबसे पहले किसका वध हुआ था? दोस्तों भगवान विष्णु का एक नाम चक्रधर है। इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि इनके अंगुली में सुदर्शन नामक चक्र घूमता रहता है। इस चक्र के विषय में कहा जाता है कि ये अमोघ है और जिस पर भी इसका प्रहार होता है इसका अंत करके ही लौटता है। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था तब भी उनके पास यह चक्र था। इसी चक्र से उन्होंने जरासंध को पराजित किया था और शिशुपाल का वध भी इसी चक्र से किया गया था। श्री कृष्ण अवतार में यह चक्र भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी से प्राप्त हुआ था, क्योंकि राम अवतार में परशुराम जी को भगवान राम ने इसी चक्र सौंप दिया था और कृष्ण अवतार में वापस करने के लिए कहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के पास यह चक्र कैसे आया? दोस्तों वामन पुराण में बताया गया है कि श्री दामा नामक एक असुर था। इसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु से श्री लक्ष्मी को छीनने की योजना बनाई। इससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और श्री दामा को दंडित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने भगवान विष्णु को एक चक्र प्रदान किया जिसका नाम सुदर्शन चक्र था। भगवान शिव ने कहा कि ये अमोघ है, इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु यदि ये अमोघ है तो इसे परखने के लिए मैं सबसे पहले इसका प्रहार आप पर ही करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा अगर आप यह चाहते हो तो प्रहार करके देख लीजिए। फिर विष्णु जी के द्वारा सुदर्शन चक्र के प्रहार से भगवान शिव के 3 खंड हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा और शिव जी की आराधना करने लगा। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से मेरा प्राकृत विकार ही कटा है, मैं और मेरा स्वभाव क्षत नहीं हुआ है, यह तो अच्छेद्य और अदाह्य है। भगवान शिव विष्णु से कहा कि आप निराश ना होइए, मेरे शरीर के जो 3 खंड हुए हैं अब वह हिरण्याक्ष, सुवर्ण्याक्ष और वीरूपाक्ष महादेव के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों भगवान शिव अब इन 3 रूपों में भी पूजे जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्रीदामा से युद्ध किया और सुदर्शन चक्र से इसका वध कर दिया। तभी से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ सदैव रहने लगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।